केंद्रीय कारागार अजमेर में कैदियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जेल प्रहरियों की सख्ती और तलाशी के साथ ही तकनीकी इस्तेमाल के दावे हवाई होते दिख रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच जेल में लगातार कैदियों के पास से मोबाइल जब्त होने की खबरें आ रही हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. ताजा मामला गुरुवार का है, जब केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर दो कैदियों के पास से मोबाइल मिलने की खबर आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने जेल में चल रहे मोबाइल के बिंदास खेल की फिर से पोल खोल दिए। कैदियों के पास जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की खामियों पर कई बार आला अधिकारियों से सवाल भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई ठोस जवाब उनके पास आज भी नहीं है। जेल में सुविधा शुल्क के नाम पर कैदियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के साथ ही मोबाइल के इस्तेमाल के मामले में पिछले साल ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की थी। उसमें जेलर सहित करीब आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के बाद भी जेल में मोबाइल का खेल बदस्तूर जारी है। दिनांक 28 को जेल प्रशासन द्वारा थाना सिविल लाइन्स पर एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोठरी संख्या 1 वार्ड नंबर 12 मैं दो विचाराधीन कैदी थे, जिसका एक का नाम सलमान था और दूसरे का नाम नाजिम था, जो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। जेल प्रशासन की तरफ से उस समय सुनील कुमार ड्यूटी पर थे, उन्होंने उसको छुड़ाने का प्रयास किया, तो उस समय वो दोनों ही उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे और राजकार्य में बाधा पहुँचाने लगे। इस पर जेल प्रशासन द्वारा थानाजा पर रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुनील कुमार के साथ उसके लोक सेवा में कार्य में बाधा उत्पन्न की गई और उनकी तलाशी के दौरान एक मोबाइल है, LYF कंपनी का मोबाइल और एक सैमसंग मोबाइल, ये मैं बैटरी के हमने बरामद किए हैं और इस पर जेल प्रशासन ने थाना सिविल लाइन्स पर रिपोर्ट दी, जिस पर अनुसंधान जारी है। कोई जानकारी किस मामले में अंदर है दोनों? वो अभी अनुसंधान का विषय है कि किस मामले में बंद है।